हेलो दोस्तों, आज हम बहुत ही मज़ेदार ट्रिक्स बताने वाले हैं आम कलम करने का। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करते हुए आप वीडियो पर बने रहें। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही अलग तरीके से आपको कलम करने का विधि बताएंगे। तो चलिए देखते रहे वीडियो एंड तक। तो दोस्तों, हमने आम के टहने में इस तरह से दो जगह हमने काट लिया है, और काटने के बाद आम के टहने वाले छिलके को बीच में काट के हटाएंगे। तो दोस्तों, आप इस तरह से इनके छिलके को इस तरह से हटा देंगे। बहुत ही सावधानी पूर्वक से हटाएंगे ताकि इसमें खरोच ना आए। इस तरह से आप अच्छे तरह से इनके छिलके को हटा लेंगे। तो दोस्तों, हमने इनको बहुत ही अच्छे तरह से काट के इनके छिलके को हटा दिया है। तो चलिए, इसमें हम तो दोस्तों हमने पहले से ही पन्नी में कंपोस्ट को अच्छी तरह से पन्नी में बांध के रख दिया था। तो दोस्तों, आप इस तरह से कंपोस्ट को पन्नी में बांध के इस तरह से बीच में कट कर देंगे। कट करने के बाद उनके आकार में ही आप कट करना है, ज़्यादा ये भी नहीं, और कलम वाले भाग में इस तरह से अच्छे तरह से लटका देंगे। तो दोस्तों, हमने इसको बहुत ही अच्छे तरह से देखे लटका लिया है, और इसे हम सुतली की मदद से अच्छे तरह से बांध देंगे। और दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, हमने इसे बहुत ही अच्छे तरह से बांध दिया है।